आपको डेलिया से मजा आता है? वो तो अपना आ गया है व्हाइट सॉस पास्ता। ओके सो हेलो पीपल, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो गाइस। तो यार आज का जो व्लॉग है ना, मतलब बहुत ही स्पेशली व्लॉग है। मैंने अपनी लाइफ में ना गाइस सारी चीज चलाई है, ठीक है ना, मतलब लग्जरी कार चलाई है, ठीक है, और ट्रैक्टर तक चलाया है मैंने। तो आज गाइस फाइनली मैं चलाऊंगा ट्रक भाई। तो जो मेरे फ्रेंड है क्या नाम है जतिन और पाराश्री, तो गाइस उनका बिजनेस के अंदर में ट्रक वगैरह बहुत यूज होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रक वगैरह लेके आए, तो आज हम चलाएंगे ट्रक भाई। तो अभी चल रहे गाइस, फिलहाल मैं जा रहा हूँ गुड़गांव और देखते हैं अब क्या करते हैं क्या नहीं। अभी गाइस हम लोग ट्रक के अंदर आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है बिल्डोजर में बैठे हुए हैं। क्या हाल है ब्रो? एकदम बढ़िया भाई। ये हमारे जतिन भाई हैं, ठीक है, और ये देखो भाई पाराश्री पूरा ट्रक में, मतलब हम गेड़िया मार रहे हैं आज। कभी तुमने देखा यूट्यूब पर ट्रक में गेड़िया मारते हुए? नहीं भाई, नहीं देखा। ये तो मतलब बहुत अलग सा सीन है। कैसे हो भैया? कैसे हो? बढ़िया भाई। इतनी देर में क्यों बोला आपने? तो आज देखो सीन ये, आज हम फर्स्ट टाइम मतलब मैं ड्राइव करूंगा ट्रक को, ठीक है, जो कि मतलब मेरे लिए बहुत एक यूनिक चीज है। ये देखो भाई स्पोर्ट वोट भी है इसमें। तो अभी देखो गाइस हम लोग बहुत ही ऊंचाई में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है मतलब कि सब हमारे नीचे नीचे चलते जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, पहली मंजिल पे। ट्रैक्टर से भी ऊंचे हैं भाई हम। वो लड़कियां भी देख रही है कि कुछ तो बैठे हैं इसमें गैंगर वाले बंदे। बिल्कुल खाली ऐसे हम पूरे मैदान के अंदर की, पूरा मैदान भी नहीं लग रहा है। क्या है भाई? ये ऐसी है भाई, ये नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है। तो यहाँ पर हम ट्रक वर्क चलाएंगे, थोड़ा सीखेंगे ट्रक वर्क, क्योंकि भाई गाना वाने कब आ रहा है भाई? 32 तारीख को। इसलिए और 32 बोला तो लगा लो मार्च के बाद ही आएगा, पर लाइक जरूर मारते हैं जब भी आएगा ना, ठीक है। ठीक है, जब हम खाली मैदान के अंदर आ चुके हैं और ना मेरा एक बहुत टाइम से ना ये प्लान था कि मैं एक ट्रक चलाऊं, ठीक है, ट्रैक्टर मैंने चला रखा है पर ट्रक कभी नहीं चलाया। तो चलो अभी सीन ये है, मैं तुम्हें ट्रक दिखाता हूँ पहले भाई, देखो कितना बड़ा है, देख रहे हो, वैसे ट्रक बड़ा ही होता है, तुम कम ये मेरा मीम मत बना देना कि ट्रक भी बहुत छोटा होता है। तो ये देख रहे हो कंटेनर है, कंटेनर बोलते हैं इसको, पूरा इसको खोल सकते हैं भाई? कैसे खुलेगा भाई? तुम्हारे जतिन भाई हमारी हेल्प करवा रहे हैं, देख रहे हो, जैसे कि इनके पास रेंज रोवर है पर हमारी हेल्प करा रहे हैं, देख रहे हो, मतलब गरीबों की हेल्प, यू नो, सेक्सी बॉय। देखा खुलता है मुंह पे लग थोड़ा दूर रख जाओ, बच्चों को बुला रहा हूँ, खोल देगा रुक भैया, ये खुल गया ना जरा, चले फिर एक बार अंदर। चल भाई चल, ये पकड़ना भाई, चढ़। ये देखो अभी तो टेकेंद्री वाले अपने पावर दिखाएगा, चढ़ गया, मुझे लगा कूदता हो जाएगा। चढ़ जा। चल फिर इसी बात पे मेरे ऊपर ले, मेरे को नीचे मत ले दिया। तो अभी भाई ऊपर आ चुके हैं भाई, अभी हम अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी गाइस हमारा क्या सीन है, हम ना अपने गाने के शूट में इसको भी प्लान कर सकते हैं कि हम इसमें कुछ शूट ले पाए, है कि नहीं? हाँ भाई। तो ये गाइस बहुत ही बड़ा है, मतलब ये लगा लो ये बहुत ही बड़ा है, अराउंड ये तो ये कितना फुट है भाई? 22 फुट। अरे तो चलो एक बार चला के देखते हैं ना। हाँ चलो भाई चलो। YouTube चलाते हो? नहीं। फिर क्या चलाते हो? फोन ही नहीं है। फोन ही नहीं है, ये तो समस्या फिर तुम्हारी है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलो अभी गाइस ट्रक वगैरह चलाते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है अपना। तूने चलाया पारा? हाँ भाई चलाया। कितनी बार? नौने पौ बार। बाकी आपको बता दूं, इस भाई का चैनल भी है, ठीक है, जाके फटाफट ये रैप करता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके चैनल का, तो भाई को सपोर्ट करो, ठीक है, फटाफट से 10,000 सब्सक्राइबर करा दो कंप्लीट। मुझे नहीं पता अब हो जाने चाहिए, जो भी अपने एसआर में देख रही है ना, चाहे गाली पे चाहे कुछ भी, 10,000 करा दो भाई। अब ये तुम्हारी भाई की इज्जत का सवाल है, तो करा देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मैं इसको भी चलाने जा रहा हूँ, मतलब ड्राइव करने जा रहा हूँ। और भैया एक चीज मुझे ये बताओ कि जब हम ट्रक चलाते हैं तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? टायर हुआ, हवा हुआ, ब्रेक का, क्लच की, ठीक है, और आगे का शो देखना पड़ता है, साइड देखना पड़ता है। अगर हम ये चीज़ ना देखें तो किसी के घर में ले घुस जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो अगर वो टीवी देख रहा हो टीवी गिर जाएगा उसका, टीवी गिर जाएगा, अरे फिर तो कंटेनर ही घुसा देंगे। तो चलो गाइस अभी भाई चलाते हैं अपना ट्रक। ये देखो भाई अंदर से कुछ ऐसा, इसके अंदर भी स्पीकर लगे हुए हैं, ठीक है,
मिल जाते हैं भाई BMW के बोस के स्पीकर। तो चलो सो मैं आपको बता दूं गाइस, इसके अंदर है फिलहाल 140 की स्पीड, ठीक है 140 की स्पीड है भाई। 140 जाती भी है ये? 120 लास्ट है। FMV है हाँ, इसमें USB वगैरह भी लग जाता है, SD कार्ड भी लग जाता है, AC भी है। हाँ AC का ब्लोअर है हाँ। वो नहीं है, ठंडी हवा नहीं आती। अच्छा मैं भूल गया था, कनाडा वाला नहीं है ये। हाँ भाई ब्लोअर आता है, हवा हवा चलती है, बाकी लगवा सकते हैं। हाँ। इसे पावर स्टीयरिंग मिलता है हमें? हाँ ये पावर स्टीयरिंग है भाई। अरे वाह, और क्या क्या चीजें मिलती है इसके अंदर? इसमें इको प्लस मोड मिल गया। ये बाकी इको मोड से क्या होता है भाई? भाई वो क्या बोलते हैं, बस थोड़ा फ्यूल बच जाता है उसमें, जो हाई पावर जाती है ना इसमें RPM वगैरह वो ज्यादा नहीं जाती। और ये भाई किस चीज के लिए? ये भाई यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, ये लाइट होगी, बाकी लाइट इसकी सारी LED है। और गाइस इसमें मिल जाते हैं 7 गियर है। हाँ 7 गियर फ्रंट के, 1 रिवर्स का, 1 रिवर्स मिला करके हमें 8 गियर मिल जाते हैं। 8 गियर मिल जाते हैं। ये हैंड ब्रेक है भाई, ये हैंड ब्रेक है जी भाई, इसको ऐसे करके ये ऐसे करना पड़ता है। आवाज किसकी आई भाई? भाई ये प्रेशर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक है इसके अंदर क्योंकि हैवी है ना बहुत ज्यादा। हाँ भाई तो चलो फिर ड्राइव हो जाए, एक बार ड्राइव हो जाए। अरे वाह, तो तुम घुमा लो कैमरे को। हाँ भाई ये चाबी, ये इसका ऑन हो गया भाई, लिखा गया आइसर वो, जैसे मैं अकोड वगैरह में देखने को मिल जाता है। जी भाई। तो चलो ऑन करें फिर, आजकल गाड़ियों की तरह ही आ रहा है भाई सब कुछ, है ना? बिल्कुल, कुछ टाइम बाद ये भी कनाडा से कंपेयर ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी। तो अभी से ऑन करते हैं। गियर में डाल के स्टार्ट कर दिया हमने। तो चलो मैंने क्लिच दबा लिया। चलो भाई जतिन भाई चले स्टार्ट करें। बिल्कुल भाई चलो, चल पीछे भी कहाँ तक ही जाएगा ये। चलो तो हमने भाई ट्रक स्टार्ट कर दिया है और बाकी देखते हैं ट्रक मुझे कैसा लगता है एक्सपीरियंस, ठीक है चलाने के बाद। चलते ना बढ़ जाए। ओ भाई भाई मजा आ रहा है कसम से ट्रक चलाने में भाई। जतिन भाई कुछ गलत तो नहीं चला रहा मैं? नहीं भाई ठीक है ठीक है। ये चलता ही ऐसे है? ऐसे ही चलता है भाई, उधर ले ले। इधर कहाँ जा रहा है बाप बताओ? हाँ भाई ये थकी थकी से क्यों लग रहा है मेरे को ट्रक, मतलब ये गियर मैंने कम डाला हुआ है। ठीक है भाई चलता है क्या भाई? इसको पहले गियर में चला के देख, अभी तो ऐसे पे चला रहा है ना इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी बस ठीक चलता है। अच्छा अब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ ठीक चलता है, बस हैंड ब्रेक ठीक डाला है भाई, अब ठीक डाला है, अब ठीक उठ रही है। ये तो तूने तीसरा डाल दिया होगा। कट जाएगी ना? हाँ हाँ कट जाएगी, पैरों के ऊपर बैठा हुआ भाई तू। टायरों के ऊपर सही बात। पहले में तो खुशती नहीं है भाई, भाई कुछ भी को मजा आ रहा है ट्रक चलाने में, मजा आ रहा है ट्रक चलाने में यार। बढ़िया भाई बढ़िया, ऐसे ही चला रहा हूँ। हाँ। कुछ गलत तो नहीं चला दिया? ना ना ना। तो मैं सोच रहा हूँ घर खड़े ना वहाँ पे उनके अंदर पार्क कर। गाइस क्या ही एक्सपीरियंस था यार ट्रक का, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, दुनिया हमारे कदमों में। आपको डेलिया से मज़ा आता है? अरे ट्रक चला के मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आया और बड़ी यूनिक चीज़ थी। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना तो ट्राई ज़रूर करना, मतलब किसी बंदे पे जो भी इसको दोस्त हो ना और जतिन जैसा हो तो ट्रक ज़रूर यूज़ करना, आगे नहीं जतिन? बिल्कुल। तो ऐसे दोस्त बनाने बहुत जरूरी है जिनके पास ट्रक हो एक दो है। ये देखो यहाँ पारा श्री है, अभी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किया गाड़ी के अंदर। कहाँ पे जा रहे हैं पारा?
भाई हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कुछ खाने चलते हैं। कुछ खाने चलेंगे भाई। चलो हम तीनों भाई लोग आ चुके हैं फिलहाल बाहर और अभी आए एक मॉल के अंदर। ठीक है, कौन सा वाला मॉल है भाई ये? सेंट्रल गुड़गांव भाई। सेंट्रल गुड़गांव, ठीक है। और यहाँ पर आए हम क्या खाने के लिए? पास्ता भाई, पास्ता। पास्ता खाने के लिए आया है। बहुत बढ़िया पास्ता मिलता भाई यार। जतिन लेके आया है तो बाकी देखते हैं टेस्ट वगैरह कैसा है। ठीक है, मैं पहली बार आया हूँ इस वाले में। ठीक है, पहली बार आया हूँ और यहाँ पर मैं फुल पास्ता वास्ता खाने के लिए आए हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर है फिलहाल ये पूरा एमजी रोड है। एमजी रोड है भाई ये पूरा। एमजी रोड है। यहाँ कोई मार्केट वगैरह भी लगती है क्या? नहीं भाई, मार्केट नहीं लगती, पूरे इधर मॉल है। ये पॉर्च एरिया वाली, ये मतलब जतिन वतिन लोगों के लिए है। बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। गरीब लोग मारे जाते हैं भाई। इतनी बार भी देखा है ना, मतलब मैंने ऐसी ड्रेस के अंदर ही देखा है। ऐसा क्यों भाई? भाई के कपड़े दिखाओ, भाई के कपड़े के। ये देखो भाई, अनबॉक्सिंग देखो, ये देखो भाई। तो ये भाई है ब्रांडेड पूरा। ठीक है, और जैसे कि आपको ये पता है आपको सारा कैसे मिल ही जाएगा। और पैंट कहाँ से ली थी? अलग अलग ब्रांड की है, अलग अलग ब्रांड से ली थी। ठेले से ली थी, एलवी का ठेला लगता है इनके यहाँ। अलग अलग ब्रांड के ब्रांड है भाई। और अभी देखो हमें लेना है, कौन सा वाला पास्ता ले रहे हैं? मिक्स मिस कुछ तो बात है भाई, लेके आयो टेस्टी है।